वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, वैल्यूएट हमने करना है आयोटा की पावर 16 है। पावर आयोटा की इवन होगी तो भी बताऊंगी क्या करना होता है, पावर ओड होगी तो वो भी मैं सारा बताऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। फिर आपके पास पावर इवन आ जाए आयोटा की या ओड आ जाए तो आपके लिए डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं रहेगा। पावर इवन है ये तो बहुत सिंपल हो जाता है हमारे पास कि हमने ये करना होता है कि आयोटा पावर 2 लिख दो। यहाँ पर 2 कितने टाइम 16 होता है, 8 टाइम 8 इधर लिख दो। हमेशा आयोटा स्क्वायर इधर ले लो क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए हमेशा आयोटा स्क्वायर इधर कर दो। 2 कितने टाइम 8, 2 कितने टाइम 16 होता है, 8 टाइम, तो 8 को इस तरह लिख दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है वो यहाँ पर हमने पुट कर दी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और पावर 8 का 8 आ गई। अब आपने याद रखना है कि जब आपके पास बेस में माइनस साइन है, पावर इवन है, तो हमारे पास आंसर में माइनस साइन नहीं आना, ओनली 1 आ जाएगा। और जब बेस में हमारे पास माइनस है, पावर ओड है, तो आंसर में माइनस आता है। वो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देती हूँ मैंने किया हुआ है। ये तो बात होगी पावर ओड होगी तो ये काम सिंपल कर लेना है। पावर इवन थी, इवन होगी तो ये काम कर लेना, ओड होगी तो ये कि सबसे पहले तो 15 है तो इस तरह हमेशा आयोटा 14 और डॉट आयोटा लिख दो। 13 है तो आयोटा 12 और आयोटा लिख दो, इस तरह से करना है। आयोटा 14 है तो क्या आ जाएगा, वो आगे का काम ये वाला इधर ये वाला जा रहा है क्योंकि पावर इवन जो हो गई यहाँ पर, ठीक है। आयोटा 2 कितने टाइम 14, 7 टाइम। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट हो गया, पावर 7 आ गई। वही बात है कि बेस में माइनस साइन है, पावर ओड है, तो आंसर में माइनस आना है। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आयोटा प्लस माइनस माइनस। यहाँ पर देखिए मैंने प्रूव भी किया है कि नेगेटिव साइन है बेस में, इधर भी नेगेटिव साइन है बेस में, पावर एक मैंने ऑड ली, एक इवन ली। इवन को पहले देख लेते हैं, -1 की पावर 2 है तो -1 को 2 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 × 1 आता है, माइनस माइनस प्लस आ गया। -1 की पावर 3 है तो -1 को 3 टाइम लिखा, 1 × 1 × 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है। ये तो पावर छोटी है, आप इस तरह भी कर सकते हो कि लिख लो और चेक करने के लिए, लेकिन जब पावर बड़ी आ जाए 15, 16 इस तरह आ जाए तो ये रूल हेल्पफुल होता है कि पावर इवन होगी तो क्या करना है, पावर ओड होगी तो क्या करना है। आप ये नोट कर लो, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो कि पावर इवन होगी तो साइन नहीं आना नेगेटिव का, पावर ओड होगी तो साइन आना नेगेटिव का, बस ये कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है इस टॉपिक पर, आप चेक कर सकते हो। चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा के नेम से प्ले लिस्ट होगी, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।